हसल के अगर फैन है तो भाई ये वीडियो थोड़ी सी दुखदायक हो सकती है आपके लिए, क्योंकि वैसे रिमार्क्स नहीं आए जो पिछले से पिछले सीजन में थे। देखिए बिगिनिंग में हसल को काफी रोस्ट किया लोगों ने कि ये थोड़ी ना ही पॉप है, लेकिन बाद में बजे वो आर्टिस्ट। सीजन टू में तो आते हैं भाई पैरानोइया, एमसी स्क्वायर, फिर ग्रेविटी, भाई ने स्टेज खोल दिया। एंड नाउ हुआ क्या है, इन लोगों को लग रहा है कि नाउ दिस इज नॉट अ रैप शो, दिस इज अ कंप्लीट इंडियन आइडल टाइप स्टफ। तो लोग अपने गाने गा रहे हैं, एक दो को निकाल दें जैसे गोश्त को निकाल दें, या फिर अपने भाई साहब मुंबई वाले बंदे को निकाल दें, रैप आईडी को निकाल दें, तो बहुत कम ऐसे लोग हैं जो रैपिंग कर रहे हैं। और भाई साहब सिर्फ और सिर्फ लोग गाने बनाकर प्रेजेंट कर रहे हैं ताकि वहाँ उनकी ऑडियंस बने, गाने लोग सुने, भाई लिरिकली नहीं जा रहे। तो ऐसे में रफ्तार ने एक बहुत प्यारी बात कही है, मैंने शो कुछ और बनाया था लेकिन अभी कुछ और बन गया है। एंड आई डोंट थिंक सो लोग ये ज़्यादा देखना पसंद कर रहे हैं। डिवाइन गोट अप्रोच्ड कि आप एक जज बन के आ जाइए, ही रिफ्यूज क्लियरली कि यार आई डोंट थिंक सो आई एम सुटेबल देयर, आई एम अ लिरिकल आर्टिस्ट, मैं गाने से ज़्यादा रैप करने में शौक रखता हूँ, एंड वो चीज़ें वहाँ पर नहीं हो रही है। भाई सिकंदर कालो शो पे आए, रागा शो पे आए, उन्होंने खूब तारीफ की, लेकिन उसके बाद भाई उन लोगों ने बेइज्जती भी की कि भाई लिरिसिज्म मिसिंग है, रैप मिसिंग है, डार्कनेस ऑफ हिप हॉप इज मिसिंग, हिप हॉप इज नॉट चिल, हिप हॉप भाई अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का तरीका है, मुद्दों को उठाने का तरीका है, गाना गाना इज समथिंग एल्स। और बात करें भाई एमवे की तो उनको भी ज़्यादा मजा नहीं आ रहा है, उन्होंने बस गोश्त की तारीफ की थी, उसके अलावा उन्होंने किसी की भी तारीफ नहीं की। और जनता आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको इस बार वाला हसल कितना अलग लगता है पिछले वाले सीजन से।